तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्पी केबल मी फोर नाम की इस मूवी के बारे में इस फ्रेंचाइजी के हमारी एक तरह से ये चौथी मूवी रहने वाली है दोस्तों अब तक तीन मूवी के साथ ये सुपर डुपर हिट ये फ्रेंचाइजी रही है और अब चौथा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है कई जगह इसे लॉन्च कर दिया गया है और कई जगह इसे लॉन्च किया जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम बताए गए इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी और कहाँ कहाँ पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है और कहाँ रिलीज़ होना बाकी है साथ ही साथ इसकी फैक्ट डिटेल अपडेट एक्सप्लेनेशन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर से अलार्म सेट कर दीजिएगा अब हम इसके बारे में जानना चालू करते हैं डिस्पिकेबल मी 4 1 2024 अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो इल्यूमिनेशन द्वारा निर्मित और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है यह डिस्पिकेबल मी 3 2017 की अगली कड़ी चौथी मुख्य किस्त और डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी में छठी समग्र किस्त के रूप में कार्य करती है फिल्म का निर्देशन क्रिस रेनॉर्ड ने किया सहनिर्देशन पैट्रिक डेलाज ने किया अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत में क्रिस मेलेन्ड्री और ब्रेट हॉफमैन ने इसका निर्माण किया और माइक वहाइट और केन डोरियो ने इसे लिखा इसमें स्टीव कैरेल क्रिस्टन वाइग पेरे कॉफिन जॉय किंग मिरांडा कॉसग्रोव स्टीफन कोलबर्ट स्टीव कूगन सोफिया वर्गीज रेनॉर्ड मेडिसन पोलन डाना गेयर क्लोफाइनमैन और विल फेरेल की आवाज़ें हैं सितंबर 2017 में चौथी डेस्पिकेबल मी फिल्म पर काम शुरू हुआ फरवरी 2022 में इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई जिसमें रेनॉर्ड डेलेज और वहाइट क्रमशः निर्देशक सहनिर्देशक और लेखक के रूप में जुड़े जून 2022 तक उत्पादन शुरू हो गया था जनवरी 2024 में अधिकांश मुख्य वॉयस कास्ट की घोषणा की गई जिसमें हॉफमैन और डोरियो क्रमशः सहनिर्माता और सहलेखक के रूप में सामने आए हेटर परेरा और फेरेल विलियम्स पिछले किश्तों से क्रमशः स्कोर बनाने और मूल गीत और थीम लिखने के लिए लौटे डिस्पिकेबल मी मीचार का प्रीमियर 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क शहर के जैज एट लिंकन सेंटर में होगा और इसे 3 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है आधार अपने कारावास से भागने के बाद मैक्सिम लेमाल और उसकी प्रेमिका वैलेंटिना ग्रू और उसके परिवार से बदला लेना चाहते हैं जिसमें उसका बच्चा बेटा ग्रू जूनियर भी शामिल है उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए पुनर्वास में डाल देता है जहां वे अपने नए पड़ोसियों प्रेसकॉट्स और उनकी बेटी पोपी से मिलते हैं बाधाओं को बराबर करने के लिए ग्रू और उसके गुर्गे पोपी के साथ गठबंधन करते हैं थ्री आवाज कास्ट स्टीव कैरेल ग्रू चेट कनिघम एक पूर्व सुपरविलेन जो अब एंटीविलेन लीग एजेंट है जो मार्गो एडिथ और एग्नेस का दत्तक पिता ग्रू जूनियर का जैविक पिता और लूसी का पति है क्रिस्टन वीग लूसी वाइल्ड ब्लैच कनिघम एक एंटीविलेन लीग एजेंट ग्रू की पत्नी और तीन युवा लड़कियों मार्गो एडिथ और एग्नेस की दत्तक मां और ग्रू जूनियर की जैविक मां विल फेरेल मैक्सिम लेमाल के रूप में एक फ्रांसीसी उच्चारण वाला सुपरविलेन जो ग्रू और उसके परिवार से बदला लेना चाहता है जॉय किंग पोपी प्रेस्कॉट के रूप में चार पांच एक महत्वाकांक्षी सुपरविलेन जो लंबे समय से ग्रू की प्रशंसा करता रहा है सोफिया वर्गारा वेलेंटिना के रूप में मैक्सिम की घातक प्रेमिका स्टीफन कोलबर्ट पेरी प्रेस्कॉट के रूप में पोपी के पिता पैट्सी के पति और ग्रू के नए पड़ोसी पांच क्लोफाइमैन पैट्सी प्रेस्कॉट के रूप में पोपी की मां पेरी की पत्नी और ग्रू की नई पड़ोसी पांच मिरांडा कॉसग्रोव मार्गो ब्रीकनिघम ग्रू और लूसी की तीन दत्तक बेटियों में सबसे बड़ी स्टीव कूगन सिलास राम्सबॉटम एंटीविलेन लीग के पूर्व सेवानिवृत्त निदेशक पियरे कॉफिन मिनियन ग्रू के पीले गुर्गे जिन्हें बाद में एंटीविलेन लीग में एजेंट के रूप में नौकरी मिल जाती है डाना गेयर एडिथ ब्लेयर कनिघम ग्रू और लूसी की तीन छोटी बेटियों में बीच की बेटी मेडिसन पोलन एग्नेस ब्रिटनी कनिघम के रूप में ग्रू और लूसी की तीन छोटी बेटियों में सबसे छोटी पोलन ने तीसरी फिल्म में नेव शारेल की जगह ली है इसके अतिरिक्त फिल्म के निर्देशक क्रिस रेनॉर्ड को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया है उत्पादन डिस्पिकेबल मी चार का विकास सितंबर 2017 में शुरू हुआ जिसमें लंबे समय से डिस्पिकेबल मी और इल्यूमिनेशन के लेखक सिंकोपॉल और केन डोरियो ने स्क्रिप्ट के शुरुआती ड्राफ्ट लिखे छ फरवरी 2022 में फिल्म की आधिकारिक पुष्टि की गई जिसमें अनुब्वी डिस्पिकेबल में निर्देशक क्रिस रेनॉर्ड पैट्रिक डेलाज और माइक वहाइट क्रमशः निर्देशक सहनिर्देशक और लेखक के रूप में जुड़े और 3 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख की घोषणा की गई सात आठ जून 2022 तक उत्पादन शुरू हो गया था जिसमें स्टीव कैरेल ने कुछ सत्रों के बाद अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी नौ no. जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि कैरेल क्रिस्टन वाइग मिरांडा कॉसग्रोव गेयर, पेरे कॉफिन और स्टीव कूगन ग्रू लुसी वाइल्ड मार्गो एडिथ दमिनियन और सीलास रामसबोटम के रूप में अपनी अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए लौटेंगे जबकि विल फेरेल जॉय किंग सोफिया वेरगारा स्टीफन कोलबर्ट क्लोफाइमैन और मेडिसन पोलन नेव शारेल की जगह वॉयस कास्ट में शामिल होंगे जो क्रमशः मैक्सिम लेमाल पोपी प्रेस्कॉट वेलेंटीना पेरी प्रेस्कॉट पैटसी प्रेस्कॉट और एग्नेस की आवाज देंगे दस चार उसी महीने यह घोषणा की गई कि द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 के कार्यकारी निर्माता ब्रेट हॉफमैन और डोरियो को क्रमशः सहनिर्माता और सहलेखक के रूप में जोड़ा गया संगीत मार्च 2024 में हेटर परेरा को पिछली किश्तों से लौटते हुए फिल्म के स्कोर की रचना करने की घोषणा की गई थी ग्यारह फेरेल विलियम्स को भी परेरा के साथ स्कोर की सहरचना करने के साथ साथ नए गाने लिखने के लिए लौटने की पुष्टि की गई थी ट्वेल्व आठ मई को विलियम्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर फिल्म के लिए अपने मूल गीत डबल लाइफ का तीस सेकंड का स्निपेट पूर्वावलोकन किया तेरह चौदह जून 2024 को विलियम्स ने गीत को डिस्पिकेबल मी चार साउंड ट्रैक से पहले एकल के रूप में रिलीज किया चौदह इस गीत की व्याख्या कनाडाई रैपर ड्रेक पर लक्षित एक डिस्ट्रैक्ट के रूप में की गई है पंद्रह, सोलह अप्रोक्स के लिए लिखते हुए डेरिक रॉसिग्नोल ने देखा कि धुन एएपी जैसी सामान्य और मूवी मूवीयवादी नहीं है लेकिन इसमें एक शानदार खांचा है और ग्रू रिफ्रेन वास्तव में नरक के रूप में आकर्षक है यह संभवतः एएपी की तरह दुनिया बदलने वाला एकल नहीं होगा लेकिन यह बच्चों की फिल्म साउंड ट्रैक किराया के ऊपरी स्तर पर है सत्रह विपनन फिल्म का पहला ट्रेलर 28 जनवरी 2024 को दो शून्य दो तीन चौबीस NFL प्लेफ चैंपियनशिप गेम्स के दौरान रिलीज किया गया था 18 ट्रेलर में गन्स एन रोजेज के स्वीट चाइल्ड ओ माइन और हॉल एंड ओड्स के मैनिटर गाने शामिल हैं साथ ही टेलीविजन शो में ड्रैगन फोर्स के थ्रू द फायर एंड फ्लेम्स भी शामिल हैं सीबीआर ने बताया कि ट्रेलर में गुरु परिवार के एक नए सदस्य का स्वागत करने के संघर्ष को दिखाया गया है और इसमें विल फेरेल की मैक्सिम ले माल की शुरुआत भी शामिल है दस स्क्रीन रेंट के ब्रेनन क्लेन ने देखा कि ग्रू का अपने बेटे ग्रू जूनियर के साथ अशांत संबंध उसकी दत्तक बेटियों के साथ अच्छे संबंधों के विपरीत था उन्नीस ग्यारह फरवरी को सुपर बाउल एलवीआईआईआई के दौरान एक अतिरिक्त ट्रेलर का खुलासा किया गया जिसे जॉन है एम द्वारा सुनाया गया जिन्होंने पहले 2015 की स्पिन फिल्म मिनियंस में हर्ब ओवरकिल की आवाज़ दी थी और इसमें फेरेल और स्टीव कैरेल द्वारा कैमियो किया गया था द हॉलीवुड रिपोर्टर के रयान गजेवस्की ने कहा कि ट्रेलर आधुनिक तकनीक के लाभों का बखान करता हुआ दिखाई दिया लेकिन इसमें एआई द्वारा उत्पन्न अजीब छवियां दिखाई गईं ट्रेलर में फेरेल और कैरेल के पुनर्जागरण युग से प्रेरित पोज का आनंद लेते हुए 20 दस अप्रैल को सिनेमाकॉन में यूनिवर्सल ने ग्रू और पोपी की एक क्लिप दिखाई जिसमें वे एक हनी बेजर चुराने की कोशिश कर रहे थे 21 स्क्रीन रेंट के ब्रेनन क्लाइन ने सराहना की कि क्लिप ने सीक्वल में ग्रू की घरेलू पारिवारिक व्यक्ति की स्थिति के महत्वपूर्ण तत्व को मजबूत किया ठ्वनिछ्यू दूसरा ट्रेलर सात मई दो को रिलीज किया गया था तेईस द रैप के लिए लिखते हुए ड्रू टेलर ने ट्रेलर को मिनियंस हैवी कहा और ट्रेलर में दिखाए गए फेरेल विलियम्स के नए मूल गीतों में से एक की ओर इशारा किया चौबीस कोलाइडर ने एक प्रयोग के लिए मिनियन स्वयंसेवकों के एक छोटे समूह को भर्ती करने के विनाशकारी परिणामों का उल्लेख किया जिसने उन्हें सुपरपावर दिए पत्रकार डिएगो पेराल्टा ने एक सीक्वेंस की ओर इशारा किया जिसमें सुपर पावर वाले मिनियंस में से एक लेजर विजन के साथ अपने बेस के एक हिस्से को नष्ट कर देता है और कहा कि खलनायक लेमाल और वेलेंटिना ग्रू द्वारा पहले सामना किए गए किसी भी खतरे से अधिक खतरनाक हैं ट्वेंटी आठ जून 2024 को इल्यूमिनेशन ने फ़िल्म के लिए एक पैरोडी टीज़र जारी किया जिसमें स्टीव कैरेल ने मेगावर्स की घोषणा की जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक स्टैंडेड यूनिवर्स जैसे साझा ब्रह्मांडों की पैरोडी है यह दावा करते हुए कि इल्यूमिनेशन मेगा मिनियन अभिनीत 100 साल की फ़िल्में टेलीविज़न श्रृंखला और मंच प्रस्तुतियों को जारी करेगा छब्बीस इल्यूमिनेशन ने काल्पनिक मेगावर्स के लिए एक वेबसाइट भी प्रकाशित की सत्ताईस वेबसाइट पर बताए गए कुछ नकली प्रोडक्शंस में मेगा मिनियन द टैक्स राइट और एक शीर्षकीन मेगा मिनियन स्पिंफ सीरीज शामिल हैं जिसमें कठोर बाजार परीक्षण और तदर्थ निर्णय लेने के आधार पर कहानी निर्धारित की जाएगी सत्ताईस इस स्टंट की प्रशंसा वर्तमान हॉलीवुड मामलों जैसे कि वार्नर ब्रदर्स की फिल्मों जैसे बैटगर्ल और कोयोट बनाम एक में और 2022 डीसीयू फिल्म जिसे बाद में डीसीयू फिल्म के रूप में जाना जाता है ब्लैक एडम को रद्द करने के साथ साथ मार्वल की कई हालिया प्रस्तुतियों के लिए मिश्रित स्वागत के लिए की गई थी ट्वेंटी रिलीज नाट्य डिस्पिकेबल मी चार का प्रीमियर 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क शहर के जे लिंकन सेंटर में हुआ 28 और 13 जून को एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में इसका फ्रेंच प्रीमियर हुआ 29 यह फिल्म 3 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली है सेवन होम मीडिया नेटफ्लिक्स के साथ यूनिवर्सल के सौदे के हिस्से के रूप में फिल्म पेटीवी विंडो के पहले चार महीनों के लिए पीकॉक पर स्ट्रीम होगी अगले दस महीनों के लिए नेटफ्लिक्स पर जाने से पहले और शेष चार महीनों के लिए पीकॉक पर वापस आ जाएगी थर्डी थर्डी वन स्वागत बॉक्स ऑफिस अनुमान वैरायटी का अनुमान है कि फ़िल्म 4 जुलाई को अपने पांच दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में 100 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करेगी माइकल क्रिस्टोफर वहाइट जन्म 28 जून 1970, एक अमेरिकी लेखक अभिनेता और टेलीविजन और फिल्म के लिए निर्माता है उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं जिसमें 2000 की फिल्म चक एंड बक के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट जॉन कैसवेट्स पुरस्कार शामिल है जिसे उन्होंने लिखा और अभिनय किया था एक उन्होंने स्कूल ऑफ रॉक 2003 जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखी है और ब्रेड स्टेटस 2017 जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया है जिन्हें उन्होंने लिखा है वह एचबीओ श्रृंखला एनलाइटेंट में सहनिर्माता, कार्यकारी निर्माता लेखक निर्देशक और अभिनेता थे दो वहाइट को रियलिटी टेलीविजन पर उनके प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है द अमेजिंग रेस के दो सीजन में प्रतिस्पर्धा की और बाद में सर्वाइवर डेविड बनाम गोलियत में एक प्रतियोगी और उपविजेता बने प्रारंभिक जीवन वहाइट का जन्म कैलिफोर्निया के पासाडेना में हुआ था तीन वह लाइलाली नीलोहर के बेटे हैं जो एक धन उगाहने वाली कार्यकारी और पासाडेना प्लेहाउस की पूर्व कार्यकारी निदेशक और जेम्स मेलविले मेल, मेल वहाइट एक पूर्व भाषण लेखक और जेरी फाल्वेल और पैट रॉबर्टसन जैसे धार्मिक अधिकार वाली हस्तियों के लिए भूतपूर्व लेखक थे दो उनके पिता उन्नीस में समलैंगिक के रूप में सामने आए और एक कार्यकर्ता बन गए चार तीन अपने पिता की धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण व्हाइट एक रूढ़िवादी ईसाई समुदाय में एक मामूली घर में पले बढ़े पांच उन्होंने पॉलिटेक्निक स्कूल में भाग लिया जिसके बारे में उन्हें लगता था कि यह बहुत रूढ़िवादी कंट्री क्लब स्कूल है पांच बाद में वे वेस्टलैंड विश्वविद्यालय गए जहां उनकी मुलाकात लेखन साथी जैक पेन से हुई पेन ने उन्हें लॉस एंजल्स वापस जाने के लिए मना लिया कैरियर हालांकि वहाइट और पेन की लेखन साझेदारी कुछ साल बाद उनकी अलग अलग संवेदनशीलताओं के कारण समाप्त हो गई लेकिन वे अच्छे संबंध बनाए रहे और वहाइट उन्हें हॉलीवुड के सामाजिक हलकों में लाने का श्रेय देते हैं पांच वहाइट डावसन क्रीक और फ़्रीक्स एंड गीक्स के लेखक और निर्माता थे और उन्होंने चक एंड बक द गुड गर्ल ऑरेंज काउंटी स्कूल ऑफ रॉक और नाचो लिब्रे फ़िल्मों में लेखन और अभिनय किया था छह उन्होंने द स्टेप फोर्ड वाइव्स की 2004 की रीमेक और 2008 की फ़िल्म स्मदर में भी भूमिका निभाई थी चक एंड बक जिसमें वहाइट ने एक ऐसे बालक की भूमिका निभाई थी जो अपने बचपन के दोस्त का पीछा करता है को एंटरटेनमेंट वीकली द्वारा 2000 की सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का नाम दिया गया था द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में जेफ ब्रिजेस ने चक एंड बक वह अक्सर अभिनेता लेखक जैक ब्लैक के साथ फ़िल्मों में सहयोग करते हैं साथ में उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी ब्लैक एंड वहाइट बनाई जो 2006 में बंद हो गई आठ वहाइट क्लासिक रॉक के प्रशंसक नहीं हैं लेकिन उन्होंने स्कूल ऑफ रॉक विशेष रूप से इसलिए लिखा ताकि ब्लैक अपना पसंदीदा रॉक संगीत प्रस्तुत कर सकें नाइन वहाइट ने 2007 के संडांस फिल्म फेस्टिवल में स्वलिखित ईयर ऑफ द डॉग के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की दस ग्यारह बारह वह 2009 के संडांस फिल्म फेस्टिवल में यूएस ड्रामेटिक जूरी के सदस्य थे 13. लॉरा डर्न ने वहाइट को एचबीओ के साथ एक प्रोजेक्ट में शामिल किया जो 10 अक्टूबर 2011 को प्रीमियर हुई सीरीज इनलाइटेंड बन गई डर्न का किरदार एमी जेलिको अपने पेशेवर जीवन के सार्वजनिक रूप से खत्म हो जाने के बाद हवाइन रिट्रीट में जाती है और उसे ध्यान से परिचित कराया जाता है वहाइट ने खुद एक पुरानी टेलीविज़न सीरीज़ चलाने के दौरान नौकरी में मंदी का सामना किया था और उस अनुभव के तत्वों को शामिल किया साथ ही बौद्ध ध्यान की अपनी खोज को भी नई सीरीज़ के कथानक में शामिल किया चौदह छे वहाइट ने पायलट और पहले और दूसरे सीजन के सभी एपिसोड लिखे छि वहाइट द इमोजी मूवी के एक श्रेय प्राप्त लेखक हैं उन्होंने फ़िल्म के पटकथा लेखकों के साथ तीन सप्ताह बिताए और स्क्रिप्ट की संरचना में मदद की इस परियोजना के लिए उन्हें गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार मिला 15, सोलह उन्होंने 2017 की फ़िल्म ब्रेड स्टेटस लिखी और निर्देशित की 2021 में व्हाइट ने एचबीओ के लिए एक व्यंग्यपूर्ण सीमित श्रृंखला द वहाइट लोटस का निर्माण लेखन और निर्देशन किया 17, 18। फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि वहाइट यूनिवर्सल पिक्चर्स और इल्यूमिनेशन के लिए दो आगामी एनिमेटेड फ़िल्में लिखेंगे मूल कॉमेडी माइग्रेशन जो 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी और डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त जो 3 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली है 19. अद्भुत दौड़ वह अपने पिता मेल के साथ द अमेजिंग रेस के चौदहवें सीजन में दिखाई दिए 20. वे थाईलैंड के फुकेत में छठे स्थान पर समाप्त होने से पहले सात चरणों तक टिके रहे मेल और माइक द अमेजिंग रेस अनफिनिश्ड बिजनेस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए वापस लौटे जहां वे जापान में हाइपोथर्मिया विकसित होने के बाद बाहर होने वाली दूसरी टीम थे ट्वेंटीवन उत्तरजीवी वहाइट सर्वाइवर डेविड बनाम गोलियत में एक प्रतियोगी थे गोलियत जनजाति के सदस्य के रूप में फिर पुनर्व्यवस्थित जाबेनी जनजाति और विलय किए गए कालोकालो जनजाति के सदस्य के रूप में बाईस वह दिन उनतालीस तक पहुंच गया और तीन जूरी वोट प्राप्त किए विजेता निक विल्सन के पीछे दूसरे स्थान पर रहा वहाइट ने कहा कि वह शो के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और अपने संपर्कों के कारण शो के होस्ट जेफ प्रॉप्स्ट के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी जिससे शो को बेहतर बनाने के लिए होस्ट को सुझाव मिलते थे उदाहरण के लिए प्रॉप्स्ट ने कहा कि यह वहाइट ही थे जिन्होंने उन्हें सर्वाइवर सैन जुआन डेल सुर के लिए रिडेम्पशन आईलैंड को वापस लाने से हतोत्साहित किया था तेईस किसी समय वहाइट ने शो का प्रतिभागी बनने की कोशिश शुरू करने का फैसला किया लेकिन वह इस बात पर विफल हो गए कि उन्हें लगा कि अन्य रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रमों से स्लोपी सेकंड्स मिलने की चिंता थी वहाइट ने उल्लेख किया कि एक बार चुने जाने के बाद खेल समाप्त होने तक उन्होंने प्रॉप्स्ट के साथ कोई अन्य बातचीत नहीं की ट्वेंटी व्यक्तिगत जीवन वहाइट शाकाहारी हैं और अपने साथी जोश के साथ सांता मोनिका में रहते हैं उनके पास काउई में एक घर भी है तीन पच्चीस छब्बीस सत्ताईस वह खुले तौर पर उभयलिंगी हैं सिंको पॉल और केन डोरियो अमेरिकी पटकथा लेखक हैं जो डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी हॉटन हियर हियर सेहू द लोरेक्स और द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स सहित एनिमेटेड फिल्मों की पटकथा पर सहयोग करते हैं इस जोड़ी ने 2021 के एप्पल टीवी प्लस म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज श्गाडून के सहनिर्माता के रूप में भी काम किया जिसमें पॉल ने सीरीज के गीतकार और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया जीवन और कैरियर पॉल पॉल का नाम सिंकोडे मेयो के नाम पर रखा गया था जो उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है एक येल विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद पॉल ने टोक्यो में चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटरडे सेंट्स के लिए एक मिशन की सेवा की चार अपने मिशन से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली जिससे उनकी मुलाकात येल में हुई थी और जिसके साथ उन्होंने अपने मिशन पर जाने से ठीक पहले सगाई की थी चार इसके बाद उन्होंने एक लघु फिल्म प्रतियोगिता जीती और यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में फेलोशिप प्राप्त की एक जहां उन्होंने, उन्होंने उन्नीस में ग्रेजुएट स्क्रीन राइटिंग प्रोग्राम से स्नातक किया पांच अगले वर्ष उन्होंने अपनी पहली पटकथा कोलंबिया पिक्चर्स को बेची चार डोरियो, डोरियो ने नौ साल की उम्र में सुपर आठ कैमरे से फिल्में बनाना शुरू कर दिया था हाई स्कूल के बाद उन्होंने संगीत वीडियो का निर्देशन करना शुरू किया और 100 से अधिक वीडियो का निर्देशन किया सेक्स सहयोग पॉल और डोरियो 1999 से सहयोग कर रहे हैं पांच उनकी मुलाकात तब हुई जब पॉल ने यूटा में अग्रदूतों के आगमन के चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटरडे सेंट्स के 150 साल के जश्न के लिए एक संगीत लिखा जिसमें डोरियो प्रमुख भूमिकाओं में से एक थे वान एक दूसरे से मिलते जुलते हास्यबोध के कारण उन्होंने ओटर पॉप्स नामक एक बैंड बनाया जो स्थानीय आउटडोर मॉल में बजाता था पांच एक साल के भीतर उन्होंने अपनी पहली स्क्रिप्ट बेच दी और एक साल बाद उनकी दूसरी स्क्रिप्ट बबल बॉय पर एक फ़िल्म बनाई गई छे जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता थी चार ध्यान आकर्षित करने के लिए वे फिल्म निर्माताओं को कहानी सुनाते थे हालांकि हमेशा सफल नहीं रहा लेकिन इस रणनीति के परिणामस्वरूप कई फिल्में बनी जिनमें बबल बॉय और कॉलेज रोड ट्रिप 2008 शामिल हैं सेक्स उन्हें व्यक्तिगत रूप से डॉ सीस की विधवा ऑड्रे गीजेल द्वारा फिल्म हॉटन हियर से हूं की पटकथा लिखने के लिए चुना गया था जो बच्चों की किताब हॉटन हियर से हूं का एनिमेटेड रूपांतरण है जो क्रिस मेलेनरी के नेतृत्व में 20वीं शताब्दी फॉक्स एनिमेशन के माध्यम से ब्लू स्काई स्टूडियो के लिए है छ 2007 में जब मेलेनरी ने इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट नामक एक फिल्म निर्माण कंपनी की स्थापना की तो पॉल और डोरियो ने उनका अनुसरण किया वन इल्यूमिनेशन में उन्होंने बेहद सफल एनिमेटेड फिल्म डेस्पिकेबल मी एक और इसके सीक्वल डिस्पिकेबल मी दो और डिस्पिकेबल मी तीन के लिए पटकथाएं लिखीं उन्होंने इल्यूमिनेशन की अन्य फिल्मों लाइव एक्शन एनिमेटेड ईस्टर थीम वाली हॉप के लिए भी लिखा और एक अन्य डॉ सीस की किताब को एनिमेटेड फिल्म द लोरेक्स में बदल दिया सेवन जब पॉल और डोरियो पटकथा लेखन के साझेदार थे तो वे स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते थे वे दृश्यों को विभाजित करते थे और एक दूसरे को पृष्ठ पढ़कर सुनाते थे एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते थे छ पॉल पटकथा लेखन में शिक्षित होने के कारण आमतौर पर ऐसे दृश्यों पर काम करते थे जिनमें भावनाएं होती हैं और तीन अधिनियम संरचना की आवश्यकता होती है जबकि डोरियो अधिक दृश्य उन्मुख व्यक्ति होने के कारण आमतौर पर एकशन दृश्य चुटकुले और शारीरिक कॉमेडी वाले दृश्य करते थे पांच दोनों चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटरडे सेंट्स के सदस्य होने के कारण एक उनके विश्वासों का उनके करियर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है वे ऐसी फिल्में लिखना पसंद करते हैं जो उत्थानशील आशावादी और सभी के लिए हों जबकि उपदेशात्मक होने से बचते हैं वन इस जोड़ी ने बबल बॉय को मूल गीतों की विशेषता वाले एक स्टेज म्यूजिकल में रूपांतरित किया जिसके लिए 2017 में पॉल जस्टिन गोल्डनर और कर्ट डिक्शन द्वारा निर्मित एक मूल कास्ट रिकॉर्डिंग शकेबूम रिकॉर्ड्स पर जारी की गई थी एट उनतीस जनवरी 2018 को पॉल और डोरियो को यूनिवर्सल पिक्चर्स और स्काईबाउंड एंटरटेनमेंट के लिए बर्थराइट का फिल्म रूपांतरण लिखने के लिए काम पर रखा गया था नाइन विभाजित करें 2019 में पॉल और डोरियो डॉरियोनिश्मिगाडून के लिए अपनी टीवी पिच को एप्पल टीवी प्लस को बेच दिया लेकिन राइटर्स रूम शुरू होने से पहले डोरियो ने फ़ैसला किया कि वह शो को जारी नहीं रखना चाहते क्योंकि वह सीरीज़ की ज़्यादा एडल्ट रेटेड सामग्री और शो चलाने की जिम्मेदारियों से असहज थे पॉल ने सीरीज़ के सीजन एक को लिखने और बनाने के बाद खुद ही शो चलाने का काम जारी रखा फिर सीजन दो के लिए भी एकमात्र शो चलाने वाले थे दोनों ने तब से साथ काम नहीं किया है हालांकि अलगाव सौहार्दपूर्ण था और वे अच्छे दोस्त बने हुए हैं छैन डॉरियो विभाजन के बाद श्मिगाडून छोड़ने के बाद डॉरियो इल्यूमिनेशन के लिए काम करने वापस चले गए उन्होंने माइग्रेशन के लिए अतिरिक्त लेखन प्रदान किया और डिस्पिकेबल मी चार का सहलेखन किया पॉल विभाजन के बाद पॉल ने शमिगाडून के दोनों सीजन के लिए शोर्नर और संगीतकार के रूप में काम करना जारी रखा अपने गीत कॉन पुडिन के लिए 2022 में उत्कृष्ट संगीत और गीत के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता 11 2021 में उन्होंने ग्लेडिस जोस द्वारा सचित्र कविता वाली बच्चों की किताब क्लेटन पार्कर रेली 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 है स्टूपी प्रकाशित की 12 पॉल ने नाटककार बेका ब्रुनस्टेटर के साथ मूल संगीत में एडी सोलह भी लिखा है यह एक किशोर मैरी मैगलीन के इर्द गिर्द घूमती है जो किशोर यीशु मसीह पर क्रश विकसित करती है तेरह संगीत का निर्माण ओलनी मैरीलैंड में ओल्नी थिएटर सेंटर द्वारा 2022 की शुरुआत में किया गया था जिसे वाशिंगटन पोस्ट से शानदार समीक्षा मिली थी 14 इसने एजटन फाउंडेशन न्यू प्ले अवार्ड 15 और एक संगीत में उत्कृष्ट कोरियोग्राफी के लिए हेलेन हेस पुरस्कार जीता सोलह 2022 की शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि पॉल को हाइब्रिड लाइव एक्शन और स्टॉप मोशन एनिमेशन फिल्म विंटर वंडरलैंड के लिए एक लेखक और निर्देशक के रूप में जोड़ा गया था साथ ही परियोजना के लिए मूल गीत भी लिखे थे 17. फिल्मोग्राफी बबल बॉय 2001 पटकथा लेखक द सांता क्लॉज 2 दो हज़ार दो पटकथा हॉर्टन हियर से हूं दो पटकथा लेखक कॉलेज रोड ट्रिप 2008 पटकथा लेखक डिस्पिकेबल मी 2010 पटकथा हॉप 2011 कहानी और पटकथा द लोरेक्स 2012 पटकथा लेखक कार्यकारी निर्माता और गीतकार केवल पॉल डिस्पिकेबल मी दो 2013 पटकथा लेखक द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स 2016 18 पटकथा लेखक वेनी 2016 निर्देशक और लेखक डिस्पिकेबल मी तीन दो हजार सत्रह उन्नीस पटकथा लेखक श्मिगाडून दो हजार इक्कीस से दो हजार तेईस निर्माता लेखक गीतकार केवल पॉल और कार्यकारी निर्माता केवल पॉल माइग्रेशन दो हजार तेईस अतिरिक्त लेखन केवल डोरियो डिस्पिकेबल मी चार दो हजार चौबीस पटकथा लेखक केवल डोरियो संदर्भ स्टीवन जॉन कैरेल बटा के आरएल बटा जन्म 16 अगस्त उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता है उन्हें एनबीसी सिटकॉम द ऑफिस 2005 से 2011, 2013 में माइकल स्कॉट के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने कई बार निर्माता कार्यकारी निर्माता लेखक और निर्देशक के रूप में भी काम किया कैरेल को कई पुरस्कार मिले हैं जिसमें द ऑफिस के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी शामिल है उन्हें लाइफ द्वारा अमेरिका के सबसे मजेदार व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी वान कैरेल को उन्नीस में दराना कार्वे शो में एक कलाकार के रूप में और 1999 से 2005 तक दरेली शो विद जॉन स्टीवर्ट में एक संवाददाता के रूप में पहचान मिली उन्होंने कई कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया जिनमें एंकरमैन द लीजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी 2004 और इसका 2013 का सीक्वल साथ ही द चालीस ईयर ओल्ड वर्जिन दो इवान ओलमाइटी दो गेट स्मार्ट 2008, डेट नाइट 2010, क्रेजी स्टूपिड लव 2011 और द वे वे बैक 2013 शामिल हैं उन्होंने ओवर द हेज 2006, हजार छह हॉट एंड हीयर सेहू दो और डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइज दो शू एक शू वर्तमान में भी आवाज दी है कैरेल ने अपने करियर को फॉक्स कैचर 2014 में जॉन डू पोंट के चित्रण सहित अधिक नाटकीय भूमिकाएं निभाने के लिए बदल दिया जिसने उन्हें अकादमी पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया दो तीन उन्होंने लिटिल मिस सनशाइन 2006, हज़ार द बिग शॉर्ट दो और बैटल ऑफ द सेक्सेस दो में भी अभिनय किया अंतिम दो ने उन्हें क्रमशः अपना आठवां और नवां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन दिलाया चार पांच अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में कैफे सोसाइटी, 2016, लास्ट फ्लैग फ्लाइंग 2017, वाइस 2018, ब्यूटीफुल बॉय 2018 और एस्टेरॉयड सिटी 2023 शामिल हैं कैरेल कॉमेडी सीरीज एनजी ट्रिबेका 2016 से 2018 हजार अठारह के सहनिर्माता के रूप में टेलीविजन पर लौटे जिसे उन्होंने अपनी पत्नी नैन्सी कैरेल के, के साथ मिलकर विकसित किया था उन्होंने एप्पल टीवी प्लस ड्रामा सीरीज द मॉर्निंग शो दो शू एक नौ वर्तमान में मॉर्निंग एंकर मिच केसलर के रूप में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला उन्होंने नेटफ्लिक्स सिटकॉम स्पेस फोर्स 2020 से 2022 और हुलू लिमिटेड सीरीज द पेशेंट 2022 हजार बाईस पर एफएक्स में भी अभिनय किया उन्होंने एंटोन चेकोव के अंकल वान्या दो के लिंकन सेंटर थिएटर पुनरुद्धार में शीर्षक भूमिका निभाकर अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया प्रारंभिक जीवन और शिक्षा स्टीवन जॉन कैरेल का जन्म 16 अगस्त उन्नीस सौ बासठ छह कोकॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स के एमरसन अस्पताल में हुआ था वे चार भाइयों में सबसे छोटे थे और उनका पालम पोषण पास के एकटन मैसाचुसेट्स में हुआ था उद्धरण आवश्यक उनके पिता एडविन ए कैरेल 1925 से 2021 एक, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे सात आठ और उनकी माँ हेरियत थेरेसा नी कोच से 2016 एक मनोरोग नर्स थीं नौ उनके मामा स्टेनली कोच ने कैथोड रेट्यूब बनाने के लिए वैज्ञानिक एलन बी ड्यूमोंट के साथ काम किया था दस उनके पिता इतालवी और जर्मन वंश के थे और उनकी मां पोलिश वंश की थीं ग्यारह उनके पिता का उपनाम मूल रूप से कैरोसेली था लेकिन इसे 1950 के दशक में बदलकर कैरेल कर दिया गया 12. कैरेल का लालम पालन रोमन कैथोलिक तेरह के रूप में हुआ और उनकी शिक्षा नैशोबा ब्रूक स्कूल द फेन स्कूल और मिडलसेक्स स्कूल में हुई हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने आइस हॉकी और लैक्रोस खेला चौदह उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रदर्शन करते हुए फाइव बजाया और बाद में दसवीं नॉर्थ लिंकन रेजिमेंट ऑफ फुट का चित्रण करने वाले एक रिएक्टिंग समूह में शामिल हो गए उन्होंने इतिहास में अपनी रुचि को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया पंद्रह उन्नीस में ओहियो के ग्रानविले में डेनिसन विश्वविद्यालय से इस विषय में डिग्री हासिल की सिक्सटीन सेवनटीन डेनिसन में रहते हुए कैरेल बर्पी की सीडी थिएट्रिकल कंपनी के सदस्य थे जो एक छात्र द्वारा संचालित इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी मंडली थी और चार साल तक स्कूल की बिग रेड हॉकी टीम में गोलकीपर थे अठारह उन्नीस उन्होंने कैंपस रेडियो स्टेशन डब्ल्यूडीयूबी में सेफायर स्टीव कैरेल नाम से डिस्क जॉकी के रूप में भी समय बिताया ट्वेंडी आजीविका उन्नीस से दो सुबह जल्दी काम और देर रात तक काम कैरेल ने कहा कि उन्होंने लिटलटन मैसाचुसेट्स में यूएसपीएस मेल कैरियर के रूप में काम किया लेकिन सात महीने बाद छोड़ दिया क्योंकि उनके मालिक ने उन्हें बताया कि वह नौकरी में बहुत अच्छे नहीं थे और उन्हें और तेज होने की जरूरत थी इक्कीस अपने प्रदर्शन करियर की शुरुआत में कैरेल ने एक भ्रमणशील बच्चों की थिएटर कंपनी में मंच पर अभिनय किया बाद में कॉमेडी म्यूजिकल नेट स्कैट प्राइवेट आई में और उन्नीस में रेस्तरां श्रृंखला ब्राउन चिकन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में अभिनय किया बाईस द डाना कार्वे शो उन्नीस मुख्य लेख द डाना कार्वे शो उन्नीस में कैरेल ने शिकागो मंडली द सेकंड सिटी के साथ प्रदर्शन किया जहां स्टीफन कोलबर्ट कुछ समय के लिए उनके सहायक थे कैरेल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करलीसू में एक छोटी सी भूमिका से की थी उन्नीस के वसंत में वह एबीसी पर एक अल्पकालिक स्केच कॉमेडी कार्यक्रम दराना कार्वे शो के कलाकार थे साथी कलाकार सदस्य कोलबर्ट के साथ कैरेल ने द एम्बिगोसली गेडुओ के आधे हिस्से गैरी के लिए आवाज दी रॉबर्ट स्मिगेल द्वारा निर्मित एनिमेटेड शॉर्ट जो उस वर्ष के अंत में सैटरडे नाइट लाइव पर जारी रहा हालांकि कार्यक्रम केवल सात एपिसोड तक चला दडाना कार्वे शो को तब से कैरेल के करियर को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है तेईस उन्होंने कुछ अल्पकालिक टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया अतिरिक्त स्क्रीन क्रेडिट में ब्रैड हॉल की अल्पकालिक स्थिति कॉमेडी वॉचिंग एली 2002 से 2003 और वुडी एलेन की मेलिंडा एंड मेलिंडा शामिल हैं डेली शो 1999 से 2005 मुख्य लेख डेली शो कैरेल 1999 से 2005 तक द तक शो के संवाददाता थे जिसमें स्टीफन कोलबर्ट के साथ इवन स्टीफेन चौबीस और प्रोड्यूस पीट सहित कई नियमित खंड शामिल थे 25, 26, 2004 चार से दो हज़ार तेरह द ऑफिस और हास्य भूमिकाएं मुख्य लेख माइकल स्कॉट द ऑफिस और द ऑफिस अमेरिकी टीवी श्रृंखला 2007 हज़ार सात अकादमी पुरस्कार समारोह में कैरेल कैरेल की पहली प्रमुख फिल्म भूमिका 2004 की हिट कॉमेडी एंकरमैन द लीजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी में वेदरमैन ब्रिक टैमलैंड की थी फिल्म में कैरेल के प्रदर्शन से प्रभावित होकर एंकरमैन के निर्माता जुड़ अपाटो ने एक साथ फ़िल्म बनाने के बारे में कैरेल से संपर्क किया और कैरेल ने उन्हें एक विचार के बारे में बताया जो उनके पास एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से जुड़ा था जो अभी भी कुम्बारी है सत्ताईस इसका परिणाम 2005 की फ़िल्म द चालीस ओल्ड वर्जिन थी जिसे कैरेल और अपाटो ने एक साथ विकसित और लिखा था जिसमें कैरेल ने शीर्षक चरित्र की भूमिका निभाई थी फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 109 मिलियन डॉलर की कमाई की 28 और उन्हें एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया इसने कैरेल को सर्वश्रेष्ठ हास्य प्रदर्शन के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड उनतीस और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अपाटो के साथ डब्ल्यूजीए अवार्ड के लिए नामांकन भी दिलाया तीस 2005 में कैरेल ने द ऑफ़िस में अभिनय करने के लिए एनबीसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो इसी नाम की ब्रिटिश टीवी श्रृंखला का रीमेक था जिसे रिकी गेरवाइस और स्टीफन मर्चेंट द्वारा बनाया गया था ग्रेग डेनियल द्वारा विकसित इस श्रृंखला को मॉक्यूमेंट्री शैली में शूट किया गया जो एक मध्यम आकार की पेपर सप्लाई कंपनी में जीवन के इर्द गिर्द घूमती है कैरेल ने पेंसिल्वेनिया के स्क्रैंटन में डंडर मिफ्लिन के मूर्खतापूर्ण क्षेत्रीय प्रबंधक माइकल स्कॉट की भूमिका निभाई हालांकि अनुकूलन के पहले सीजन को औसत दर्जे की रेटिंग का सामना करना पड़ा लेकिन एनबीसी ने कैरेल की फिल्म द चालीस ईयर ओल्ड वर्जिन की प्रत्याशित सफलता के कारण इसे एक और सीजन के लिए नवीनीकृत किया इकतीस और श्रृंखला बाद में एक बड़ी सफलता बन गई कैरेल ने द ऑफ़िस में अपनी भूमिका के लिए 2006 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और टीसीए पुरस्कार जीता कैरेल ने द ऑफिस के तीसरे सीजन के प्रति एपिसोड लगभग एक लाख पचहत्तर हजार अमेरिकी डॉलर कमाए जो पिछले दो सीजन के उनके वेतन से दोगुना है एंटरटेनमेंट वीकली को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने वेतन पर टिप्पणी करते हुए कहा आप नहीं चाहते कि लोग आपको लाड़ प्यार में पलाबढ़ा बेवकूफ समझें वेतन हास्यास्पद हो सकता है दूसरी ओर बहुत से लोग इन शो से बहुत पैसा कमा रहे हैं थर्डी थ्री में क्रेजी स्टूपिड लव के प्रीमियर पर कैरेल कैरेल ने टीवी पर प्रसारित होने वाली फ़िल्म विविज्ड में पॉल लिंडे के मूल चरित्र के कैंप के तौर तरीक़ों की नकल करते हुए अंकल आर्थर का किरदार निभाया था जिसमें निकोल किडमैन और विल फेरेल ने सहअभिनय किया था उन्होंने 2006 की एनिमेटेड फ़िल्म ओवर द हेज में है मी द स्क्विरेल और 2008 की एनिमेटेड फ़िल्म हॉटन एंड हियर सेहू में हुविल के मेयर नेड मैकडॉड की आवाज़ भी दी थी उन्होंने 2006 में लिटिल मिस सनशाइन में अंकल फ़्रैंक की भूमिका निभाई थी चौंतीस एंकरमैन द चालीस ओल्ड वर्जिन और विविध फिल्मों में उनके काम ने कैरेल को हॉलीवुड के तथाकथित फ्रैट पैक के सदस्य के रूप में स्थापित किया कैरेल ने ब्रूस ऑलमाइटी की अगली कड़ी इवान ऑलमाइटी के शीर्षक चरित्र के रूप में काम किया जिसमें उन्होंने इवान बैक्सटर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई जो अब एक अमेरिकी कांग्रेसी हैं फिल्म को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली कैरेल ने 2007 की फ़िल्म डैन इन रियल लाइफ में अभिनय किया जिसमें डेन कुक और जूलियट बिनोचे ने सह अभिनय किया कैरेल ने 2008 की फ़िल्म गेट स्मार्ट में मैक्सवेल स्मार्ट की भूमिका निभाई जो डॉन एडम्स अभिनीत टीवी श्रृंखला का रूपांतरण था यह सफल रही जिसने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की पैंतीस 2007 के दौरान उन्हें एकेडमी ऑफ़ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था कैरेल को फिल्मांकन के दौरान थिएटर फिल्मों पर काम करने के लिए फ्लेक्स टाइम की अनुमति दी गई थी द ऑफिस के दूसरे सीजन के दौरान प्रोडक्शन में रुकावट के दौरान कैरेल ने इवान ऑलमाइटी पर काम किया अड़तीस बेहतर स्रोत की आवश्यकता कैरेल और अन्य लोगों द्वारा 2007 के राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल की पिकेट लाइन को पार करने से इनकार करने के कारण द ऑफिस के चौथे सीजन के मध्य में उत्पादन समाप्त हो गया डब्ल्यूजीए के सदस्य कैरेल उनतालीस ने द ऑफिस के दो एपिसोड लिखे हैं कैसीनो नाइट और सर्वाइवर मैन दोनों एपिसोड की प्रशंसा की गई और कैरेल ने कैसीनो नाइट के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड जीता चालीस उनतीस अप्रैल 2010 को कैरेल ने कहा कि वह 2010 से 2011 सीजन के समापन पर अपने अनुबंध की समाप्ति पर शो छोड़ देंगे क्योंकि वह अपने फिल्मी करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे इकतालीस हालांकि द ऑफिस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटकॉम ऑफ द दो शू ने शू एस में दिए गए साक्षात्कारों के अनुसार कैरेल ने वास्तव में उस समय छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी और साक्षात्कार के दौरान केवल ज़ोर से सोच रहे थे लेकिन जब उनके बयान पर एनबीसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने आगे बढ़ना ही बेहतर समझा बयालीस जून 2013 में डिस्पिकेबल मी दो के प्रीमियर पर सहकलाकार मिरांडा कॉसग्रोव और कैरेल 2010 में कैरेल ने डेट नाइट में टीना फे के साथ अभिनय किया और मिरांडा कॉसग्रोव क्रिस्टन वाइग और जूली एंड्रीयूज के साथ यूनिवर्सल सीजीआई फिल्म डिस्पिकेबल मी में मुख्य किरदार ग्रू की आवाज दी उन्होंने 2013 की सीक्वल डिस्पिकेबल मी 2, 2017 में तीसरी डिस्पिकेबल मी 3 और 2024 में आने वाली चौथी किस्त डिस्पिकेबल मी 4 में भूमिका को दोहराया 2008 में कैरोसेल ने वार्नर ब्रदर्स के साथ फर्स्ट लुक डील साइन की तैंतालीस 2009 में उनकी प्रोडक्शन कंपनी कैरोसेल प्रोडक्शंस ने एक टेलीविज़न शाखा लॉन्च की और यूनिवर्सल मीडिया स्टूडियो के साथ एक डील साइन की चवालीस उनके पास कई अन्य प्रोजेक्ट हैं जिनमें उन्नीस की पीटर सेलर्स फिल्म द बोबो का रीमेक भी शामिल कैरेल ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी कैरोसेल प्रोडक्शंस का एक टेलीविज़न डिवीज़न लॉन्च किया है जिसने यूनिवर्सल मीडिया स्टूडियोज के साथ तीन साल का समग्र अनुबंध किया है जो उनकी एनबीसी कॉमेडी सीरीज़ के पीछे का स्टूडियो है नॉर्थ साउथ प्रॉड्स के थॉम हिंकल और कैंपबेल स्मिथ कॉमेडी सेंट्रल के दरेली शो के पूर्व निर्माता को कैरोसेल के टीवी संचालन का प्रबंधन करने के लिए काम पर रखा गया था 45 मुख्य किरदार के रूप में उनका आखिरी एपिसोड अलविदा माइकल 28 अप्रैल 2011 को प्रसारित हुआ जिसमें उनके अंतिम शॉट में माइकल ने कोलोराडो के बोल्डर में अपनी मंगेतर होली फ्लैग से मिलने के लिए कोलोराडो जाने वाले विमान की ओर जाने से पहले काल्पनिक डॉक्यूमेंट्री क्रू को अपना माइक्रोफोन लौटाते हुए दिखाया इस एपिसोड में पाम बीसली के लिए उनकी अंतिम पंक्ति इस प्रकार अनसुनी है हालांकि उन्हें 2013 में श्रृंखला के समापन के लिए वापस आमंत्रित किया गया था लेकिन कैरेल ने मूल रूप से यह मानने से इनकार कर दिया कि यह उनके चरित्र के आर्क के खिलाफ जाएगा छियालीस अंत कैरेल ने श्रृंखला के समापन में भूमिका को संक्षेप में दोहराया सैंतालीस अड़तालीस इसके अलावा 2013 कैरेल से 2018 में श्रृंखला के पुनरुद्धार में भाग लेने के बारे में पूछा गया था वेलकम टू मार्वेन के लिए प्रेस दिवस के दौरान कैरेल ने कोलाइडर रिपोर्टर क्रिस्टीना रेडिश को बताया मैं आपको बताऊंगा नहीं शो अब उस समय की तुलना में अधिक लोकप्रिय है जब यह प्रसारित हुआ था मैं इसे एक ही चीज़ के रूप में नहीं देख सकता और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इसे एक ही चीज़ के रूप में देखना चाहेंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा अंत मुझे लगता है कि शायद यह सबसे अच्छा है कि इसे अकेला छोड़ दिया जाए और इसे वैसे ही रहने दिया जाए जैसा यह था मैं इसका कम अच्छा संस्करण बनाने की गलती नहीं करना चाहता पहली बार इसे फिर से वैसा ही बनाने के मामले में संभावनाएं इसके पक्ष में नहीं होंगी 49. नाइन दो हजार चौदह से दो हज़ार अठारह नाटकीय फिल्म भूमिकाएं एंकरमैन दो दो हज़ार चौदह के ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर पर कैरेल दो हज़ार चौदह में कैरेल ने मार्क रफालो और चैनिंग टैटम के साथ सच्ची अपराध ड्रामा फिल्म फॉक्स कैचर में अभिनय किया जिसमें कैरेल ने करोड़पति और सजायाफ्ता हत्यारे जॉन एले उथेरेडु पोन्ट की भूमिका निभाई इसका प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ पचास कैरेल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब और सर्वश्रेष्ठ क्रिस्टन कैरोल वाइग एक बटा डब्ल्यू बटा जन्म बाईस अगस्त उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेत्री हास्य कलाकार पटकथा लेखक और निर्माता हैं लॉस एंजल्स कॉमेडी मंडली द ग्राउंड लिंग्स के साथ एक कलाकार के रूप में सबसे पहले सफलता प्राप्त करने के बाद वाइग ने 2005 से 2012 तक एनबीसी स्केच कॉमेडी सीरीज सैटरडे नाइट लाइव में अपने सात सीजन के कार्यकाल के दौरान स्टारडम हासिल किया छि सैटरडे नाइट लाइव में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए चार नामांकन प्राप्त हुए वीग ने नौकर अप 2007 हजार सात और पॉलिस 2011 जैसी कॉमेडी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई उन्होंने कॉमेडी फिल्म ब्राइड्समेड्स दो में सहलेखन और अभिनय किया जो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया टाइम ने उन्हें 2012 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया उनकी अन्य फिल्म क्रेडिट में द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टरमिटी दो हजार तेरह द स्केलेटन ट्विंस दो हजार चौदह द डायरी ऑफ एटीन एज गर्ल दो हजार पंद्रह द मार्टियन दो हजार पंद्रह घोस्ट बस्टर्स दो हजार सोलह डाउनसाइजिंग दो हजार सत्रह मदर दो हजार सत्रह और वंडर वुमन उन्नीस सौ चौरासी दो हजार बीस शामिल हैं उन्होंने एनिमेटेड फ्रेंचाइजी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2010 से 2019 और डेस्पिकेबल मी 2010 से 2024 में भी अपनी आवाज दी है कॉमेडी मिनी सीरीज द स्पॉयल्स ऑफ बेबीलोन 2014 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस के लिए नामांकित किया गया था प्रारंभिक जीवन विक का जन्म 22 अगस्त 1973 को तीन कैंडाइगुआ न्यूयॉर्क में हुआ था एक वे जॉन आर्ने जोसेफ विक की बेटी हैं जो पश्चिमी न्यूयॉर्क में एक झील मरीना चलाते थे और लॉरी डे नी जॉनसन एक कलाकार हैं चार पांच उनका एक बड़ा भाई एरिक है उनके पिता नॉर्वेजियन और आयरिश वंश के हैं और उनकी मां अंग्रेजी और स्कॉटिश हैं छः विग नाम नॉर्वे के सोगन और फजॉर्डन में विग के क्षेत्र से आया है सात क्रिस्टन के दादा गुन्नार ओवे विग एक बच्चे के रूप में नॉर्वे से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और रोचेस्टर न्यूयॉर्क में बड़े हुए जहां वे रोचेस्टर रेड विंग्स बेसबॉल टीम के लिए एक कुशल प्रसारक थे विग तीन साल की उम्र में अपने परिवार के साथ लैंकेस्टर पेंसिल्वेनिया चली गई और आठवीं कक्षा तक नाइटरायर एलिमेंट्री स्कूल और मैनहेम टाउनशिप मिडिल स्कूल में पढ़ाई की दस जब वह तेरह साल की थी तो वह और उसका परिवार रोचेस्टर लौट आए दस जहां उन्होंने नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए ऑलेंडेल कोलंबिया स्कूल में पढ़ाई की ग्यारह और ब्राइटन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की ने रानो के कॉलेज में पढ़ाई की लेकिन जल्द ही रोचेस्टर लौट आई उसने सामुदायिक कॉलेज में दाखिला लिया और तीन महीने का आउटडोर लिविंग प्रोग्राम शुरू किया उस समय उसकी कोई प्रदर्शन करने की महत्वाकांक्षा नहीं थी तेरह फिर उसने कला में प्रमुखता के साथ एरिजोना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया जब उसने पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अभिनय कक्षा ली तो शिक्षक ने सुझाव दिया कि वह अभिनय जारी रखे चौदह उसे सर्जरी के बाद के शरीरों को चित्रित करने के लिए एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक द्वारा काम पर रखा गया था लेकिन नौकरी शुरू होने से एक दिन पहले एक किताब की दुकान में उसने एक मनोवैज्ञानिक से बात की जिसने कहा कि उसे लॉस एंजल्स में अभिनय और लेखन करना चाहिए इसलिए उसने अभिनय करियर बनाने के लिए लॉस एंजल्स जाने का फ़ैसला किया एक पन्द्रह कैरियर एसएनएल और शुरुआती फिल्म भूमिकाएं दो हजार से दो हजार दस विग् ने खुद का समर्थन करने के लिए अजीब नौकरियां करते हुए अभिनय करने के लिए लॉस एंजल्स में स्थानांतरित कर दिया तेरह चौदह उन्होंने खाली स्टेज कॉमेडी थिएटर सोलह और द ग्राउंड लिंग्स के साथ प्रदर्शन किया सत्रह उन्होंने महसूस किया कि अभिनय की तुलना में कामचलाऊ व्यवस्था बेहतर थी और कॉमेडी समूह का हिस्सा होने से उनके कौशल में सुधार हुआ अठारह 2003 में वह स्पाइक टीवी के द जोशमो शो में दिखाई दीं जो रियलिटी टेलीविज़न का एक स्पूफ था जिसमें उन्होंने डॉ पैट एक क्वैक मैरिज काउंसलर का किरदार निभाया था उन्होंने मैड टीवी के लिए ऑडिशन दिया उन्नीस द ग्राउंड लिंक्स में वाइग ने फिर से डिस्पिकेबल मी दो के लिए अपनी आवाज़ दी जो 3 जुलाई 2013 को रिलीज हुई और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित साइंसफाई रोमांटिक ड्रामा हर 2013 में सेक्सी किटन के चरित्र के लिए उन्होंने एडवेंचर ड्रामा द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिट्टी 2013 में शीर्षक चरित्र की प्रेमिका और सहकर्मी को बेन स्टिलर और शॉन पेन के साथ चित्रित किया इसने आलोचकों को ध्रुवीकृत कर दिया और यह एक मध्यम सफलता थी न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने स्टिलर और वाइग की मधुर मधुर केमिस्ट्री की प्रशंसा की पैंतीस और रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स ने उन्हें फ़िल्म में प्यारी कम महत्वपूर्ण पाया जिसे उन्होंने अनोखा मजाकिया और अप्रत्याशित रूप से कोमल बताया छत्तीस फेरेल के साथ उन्होंने बाद में छह एपिसोड की मिनी सीरीज द स्पॉयल्स ऑफ बेबीलोन 2014 और इसके साथ ही द स्पॉयल्स बिफोर डाइंग 2015 के साथ साथ लाइफटाइम टेलीविजन फिल्म ए डेडली एडॉप्शन 2015 में अभिनय किया सैतीस द स्पॉयल्स ऑफ बेबीलोन में उनकी भूमिका के लिए वीग को सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था हेडशिप लवशिप दो हजार चौदह उनकी अगली नाटकीय रूप से रिलीज हुई प्रोडक्शन अड़तीस एलिस मुनरो की दो हजार एक की लघु कहानी हेडशिप फ्रेंडशिप कोर्टशिप, लवशिप मैरिज इसमें उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जिसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हाउसकीपर के रूप में काम शुरू करने के लिए एक नए शहर में जाना पड़ता है जिसे घर संभालने में मदद की जरूरत होती है आलोचकों ने दावा किया कि वीग का जीवंत प्रदर्शन प्रवेश की कीमत के लगभग लायक है और ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि हिटशिप लवशिप के पास इसके अलावा और कुछ नहीं है एक मिश्रित समग्र प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में उनतालीस 2014 में उन्होंने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन दो में भी अपनी भूमिका को दोहराया स्केलेटन ट्विंस एक आर्ट हाउस सफलता थी चालीस ग्लोब एंड मेल ने टिप्पणी की जॉनसन का स्पष्ट निर्देशन दो एसएनएल दिग्गजों के लिए एक बढ़िया शोकेस के रूप में कार्य करता है यह प्रदर्शित करने के लिए कि कैसे उनका कॉमिक शॉट है एंड थोड़े घरे रजिस्टर में समान रूप से अच्छा खेलता है 41. 2015 के ग्रैमी अवार्ड्स में गायिका गीतकार सिया के दो के एकल चंदेलियर के प्रदर्शन के लिए विघ ने बाल नर्तक मैडी जिगलर के साथ नृत्य किया फोड़ी छि दो हज़ार पन्द्रह में ड्रामा मेरी वेलकम टू मी को चुनिंदा सिनेमाघरों में सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ रिलीज किया गया था इसमें विग् ने बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित एक बहुक्रोड़पति की भूमिका निभाई जो अपनी नई नई दौलत का इस्तेमाल एक आत्मकथात्मक टॉक शो लिखने और उसमें अभिनय करने के लिए करती है रॉटन टोमाटोज की आम सहमति थी क्रिस्टन विग द्वारा एक आकर्षक केंद्रीय प्रदर्शन वेलकम टू मी को एक साथ रखता है और इसके आसमान हिस्सों की भरपाई करता है तैंतालीस अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ ए टीन एज गर्ल नामक एक और ड्रामा मेडी में विग ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जिसका प्रेमी उसकी बेटी के साथ यौन संबंध बनाना शुरू कर देता है वेलकम टू मी की तरह फिल्म को सीमित नाटकीय रिलीज मिली और आलोचकों द्वारा इसे अनुकूल रूप से प्राप्त किया गया चवालीस 2015 में उन्होंने मैट डेमन के साथ सफल साइंस फिक्शन ड्रामा द मार्टियन में नासा के लिए मीडिया संबंधों के निदेशक की भूमिका निभाई और चिली के फिल्म निर्माता सेबेस्टियन सिल्वा द्वारा निर्देशित ब्लैक कॉमेडी नोटी बेबी में एक पारिवारिक व्यवसायी के रूप में अभिनय किया जो प्रेमी होने की तुलना में बच्चा पैदा करने में अधिक रुचि रखती है पैंतालीस कॉमेडी जूलैंडर दो हज़ार में वीग ने बेन स्टिलर ओवेन विल्सन और विल फेरेल के साथ एक खलनायक और हाउते कोचर की रानी की भूमिका निभाई छियालीस जूलैंडर दो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक फ्लॉप थी सैंतालीस विवादास्पद ओलफी में रीबूट घोस्टबस्टर्स दो में वीग को एक लेखक के रूप में दिखाया गया है जो अन्य असाधारण उत्साही लोगों के साथ मिलकर एक अन्य खतरे को रोकने के लिए बैंड बनाती है 48 जिसका बजट 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था इसने दो मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए चार नौ पचास दो हजार सोलह में उन्होंने एनिमेटेड कॉमेडी सॉसेज पार्टी में एक हॉट डॉग बन को आवाज दी बाद की भूमिकाएं दो शू एक साथ वर्तमान दो हजार सत्रह में विग्ने डिस्पिकेबल मीतीन के लिए अपनी आवाज दी और डेमन के साथ फिर से जुड़ते हुए फिल्म डाउनसाइजिंग में दिखाई दी इक्यावन वह रीज विदरस्पून के साथ एक एप्पल कॉमेडी सीरीज में अभिनय करने और कार्यकारी निर्माता बनने वाली थीं बावन लेकिन बाद में इस परियोजना से हट गईं तिरपन दो में उन्होंने वंडर वुमन उन्नीस में खलनायक चीता की भूमिका निभाई 54 विग और एनी मोमोलो ने 2021 की कॉमेडी बारब एंड स्टार गो टू विस्टा डेल मार में सहलेखन और सहभिनय किया जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली 55 इसके अलावा 2021 में उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म ए बॉय कॉल्ड क्रिसमस में आंटी कार्लोटा की भूमिका निभाई छप्पन दो में उन्होंने पाम रोयाल का निर्माण और अभिनय किया व्यक्तिगत जीवन विग ने 2005 से 2009 तक अभिनेता हेस हरग्रोव से शादी की थी और 2011 से 2013 तक द स्ट्रोक्स ड्रमर फेब्रिजियो मोरेटी को डेट किया था 57. 2019 में तीन साल की डेटिंग के बाद उन्होंने अभिनेता एवी रोथमैन से सगाई कर ली जनवरी 2020 में वह और रोथमैन सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों एक बेटे और बेटी के माता पिता बने अट्ठावन उनसठ साठ फरवरी 2021 में विग ने पुष्टि की कि उसने और रोथमैन ने शादी कर ली है इकसठ परिवार कैलिफोर्निया के पासाडेना में रहता है सिक्सटी थ्रेव फिल्मोग्राफी फिल्म चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। क्रिस्टन विग फिल्म में काम वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया 2000 हजार पार्टी अभिभावक लघु फिल्म 2003 मेलविन डिनर पर जाता है अतिरिक्त 2006 बिना साथ के नाबालिग कैरोल मैलोन कलंक के साथ रहेसे टक्स शॉप कर्मचारी 2007 खटखटाया जील बिल से मिलिए जेन विटमैन सुलेमान भाई जैनी वॉक हार्ड द डेवी कॉक स्टोरी एडिथ कॉक्स 2008 अर्ध समर्थक भालू है एंडलर सारा मार्शल को भूलना योग प्रशिक्षक सुंदर पक्षी मैंडी भूतों का नगरशले चिकित्सक 2009 एडवेंचर एंड पॉलेट पेरेलुई पड़ांग कॉफिन जन्म 16 मार्च उन्नीस सौ सड़सठ एक एक फ्रांसीसी इंडोनेशियाई फिल्म निर्देशक आवाज अभिनेता और एनिमेटर हैं जिन्हें डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी में चार फिल्मों के सहनिर्देशन और मिनियन की प्राथमिक आवाज होने के लिए जाना जाता है जिसने उन्हें दसवें सीयू अवार्ड्स में किड्स फैमिली अवार्ड दिलाया Two. जीवन और कैरियर कॉफिन का जन्म 16 मार्च उन्नीस को फ्रांस में इंडोनेशियाई उपन्यासकार एनएच डीनी और फ्रांसी राजनेक यवेस कॉफिन के घर हुआ था उनकी एक बहन है मैरी क्लेयर अपने बचपन के दौरान वे अक्सर एशिया भर में घूमते रहे 1970 के दशक में पेरिस के एक उपनगर में बसने से पहले कंबोडिया और जापान में रहते थे बड़े होने पर उनके पिता ने उन्हें टीवी देखने से मना किया इसे बहुत निष्क्रिय मानते हुए इसके बजाय कॉफिन ने चित्र बनाना पढ़ना और संगीत सुनना बहुत पसंद किया हालांकि उन्होंने कभी कला में करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा था लेकिन उनके कुछ प्रतिभाशाली दोस्तों जो उनसे बेहतर ड्राइंग करते थे ने उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया थ्री। उन्नीस और उन्नीस के बीच उन्होंने पेरिसोर्बोन विश्वविद्यालय में सिनेमा का अध्ययन किया अपनी सैन्य सेवा में भाग लेने के दौरान उन्होंने पेरिस में गोब्लिन्स एनिमेशन स्कूल में प्रवेश परीक्षा देने के लिए अपना नाम वापस ले लिया उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने वहां 1990 से उन्नीस तक दो डी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया चार फिर वह दो डी लंदन स्थित सुविधा एम्बलिन में चले गए जहां उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित वी आर बैक। ए डायनासोर की स्टोरी में एक वर्ष के लिए जूनियर एनिमेटर के रूप में काम किया तीन इसके बाद उन्होंने फ्रेंच सीजीआई स्टूडियो एक्स मशीना में एक फ्रीलांस एनिमेटर के रूप में शुरुआत की जहां उन्होंने एक एनिमेटर और अंत एनिमेशन पर्यवेक्षक के रूप में काम किया पेरे कॉफिन के निर्देशन करियर की शुरुआत उन्नीस में पिंग्स नामक एक लघु फिल्म से हुई पांच 2010 में उन्होंने क्रिस रेनॉर्ड के साथ यूनिवर्सल के लिए फीचर सीजीआई एनिमेटेड फ़िल्म मी पूरी की कॉफिन ने रेनॉर्ड के साथ डिस्पिकेबल मी और डिस्पिकेबल मी दो डिस्पिकेबल मी तीन और डिस्पिकेबल मी स्पिन्फ मिनियंस विद काइल बाल्डा का निर्देशन किया छः जिसमें उन्होंने विभिन्न मिनियंस की आवाज के रूप में भी काम किया कॉफिन ने मिनियंस के लिए मिनियन आवाजों के कई अलग अलग डब रिकॉर्ड किए ताकि विभिन्न राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर अपील की जा सके जिसमें देश के आधार पर अलग अलग स्थानीय शब्दों को मिलाया गया सेवन कॉफिन वर्तमान में इल्यूमिनेशन के लिए दो वेब सीरीज विकसित कर रहे हैं जो टिकटॉक पर और बाद में यूट्यूब पर शुरू होंगी जिसका शीर्षक है हुज हू और बोन्स स्टोरी एट व्यक्तिगत जीवन कॉफिन के दो बच्चे हैं फ्री फिल्मोग्राफी फिल्म जॉय लिन किंग एक जन्म 30 जुलाई 1999, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं उन्हें पहली बार कॉमेडी फिल्म रमोना एंड बीज्स 2010 में रमोना क्विम्बी की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली और उसके बाद से उन्हें द किसिंग बूथ 2018 और इसके दो सीक्वल में मुख्य भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली किंग को क्राइम ड्रामा सीरीज द एक्ट 2019 में जिप्सी रोज ब्लैंचर्ड की भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था किंग बैटल लॉस एंजल्स 2011 क्रेजी स्टूपिड लव 2011 द डार्क नाइट राइज 2012 द कॉन्ज्यूरिंग 2013 हजार तेरह व हाउस डाउन 2013 इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस 2016 और गोइंग इन स्टाइल 2017 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं साथ ही एफेक्स ब्लैक कॉमेडी सीरीज फार्गो 2014 से 2015 में भी नजर आ चुकी हैं वह एक्शन फिल्म बुलेट ट्रेन 2022 और द प्रिंसेस 2022 में भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ चुकी हैं प्रारंभिक जीवन किंग का जन्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में टेरी और जेमी किंग के घर 30 जुलाई 1999 को हुआ था दो तीन किंग ने चार साल की उम्र में पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू कर दिया था जिसकी शुरुआत लाइफ सीरियल के विज्ञापन से हुई थी चार वह एटीएन टी के ज्वेलर्स और एकगो के विज्ञापनों में भी रही हैं किंग ने सिमी वैली में फीनिक्स रेंज स्कूल में पढ़ाई की पांच एक बच्चे के रूप में किंग ने सिमी वैली कल्चरल आर्ट्स सेंटर में एक टैलेंट शो के लिए एक एपेला गाया चार उन्होंने अगोरा में स्टेज डोर चिल्ड्रन थिएटर के साथ भी प्रदर्शन किया फौर उनकी दो बड़ी बहनें हैं जिनमें अभिनेत्री हंटर किंग भी शामिल है किंग ने कहा है मैं यहूदी हूं लेकिन मैं वास्तव में बहुत धार्मिक नहीं हूं सेक्स सेवन कैरियर 2008 से 2016 शुरुआत और बाल अभिनय किंग ने एनिमेटेड फीचर हॉटन हियर से हूं 2008 में पीले फर बॉल कैटी की आवाज़ दी वह क्वारंटीन 2008 में भी दिखाई दी 2010 में उन्होंने घोस्ट वस्पररर सीरीज में अतिथि भूमिका निभाई वह दो एपिसोड में एमिली मेसन के रूप में द सूट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी में भी दिखाई दी। अन्य टेलीविजन प्रस्तुतियों में जेरिको एंटोरेज सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन मीडियम और लाइफ इन पीस शामिल है किंग की पहली मुख्य भूमिका 2010 की फिल्म रमोना एंड बीच में थी जो बेवली क्लीरी पुस्तक श्रृंखला का एक रूपांतरण था जिसमें उन्होंने रमोना क्विम्बी की भूमिका निभाई थी आठ उन्होंने रमोना ब्लू नामक फिल्म के लिए एक सिंगल भी रिलीज किया फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें यंग आर्टिस्ट अवार्ड दिलाया किंग बैटल लॉस एंजल्स में दिखाई दीं जहां उन्होंने कर्स्टन नाम की लड़की की भूमिका निभाई 2011 में भी उन्होंने क्रेजी स्टूपिड लव में सहभिनय किया वह टेलर स्विफ्ट के मीन म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दीं जिसमें वह स्कूल कैफेटेरिया में एक युवा छात्रा के रूप में दिखाई दीं जिसे उसके साथियों ने अस्वीकार कर दिया था नाइन किंग ने क्रिस्टोफर नोलन की तीसरी बैटमैन फिल्म द डार्क नाइट राइज दो में एक युवा तालिया अलघुल के रूप में भूमिका निभाई थी दस उन्होंने अल्पकालिक कॉमेडी सीरीज बैंड को भी फिल्माया न्यू गर्ल में अतिथि भूमिका निभाई और द हंटिंग ओवर द सीरीज के अंतिम एपिसोड गुडविल टूवर्स मेन में थी 2013 में किंग ओज द ग्रेट एंड पावरफुल ग्यारह फैमिली वीकेंड व हाउस डाउन और द कॉन्ज्यूरिंग में दिखाई दी। 2014 में वह विश आई वाज हियर में दिखाई दीं साथ ही फ़ार्गो में पुलिस अधिकारी गस ग्रिमली की बेटी ग्रेटा ग्रिमली के रूप में दिखाई दीं 2016 में किंग को आने वाली उम्र की ड्रामा फ़िल्म द पॉसिबिलिटी ऑफ फायरफ्लाइज में कास्ट किया गया था बारह उन्होंने 2017 की हॉरर थ्रिलर फ़िल्म विश अपॉन में मुख्य किरदार क्लेयर की भूमिका निभाई तेरह उन्होंने मैन में भी भूमिका निभाई थी जो 2018 में रिलीज हुई थी फोर्थीन दो शू एक साथ वर्तमान द किसिंग बूथ और द एक्ट 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की किशोर रोमांटिक कॉमेडी द किसिंग बूथ में एली इवांस के रूप में अभिनय किया 15. उन्होंने 2020 में रिलीज हुई सीक्वल द किसिंग बूथ 2 और 11 अगस्त 2021 को रिलीज हुई द किसिंग बूथ 3 में भूमिका को दोहराया 16. 2019 में उन्होंने हुलू पर सच्ची अपराध एंथोलॉजी टेलीविज़न सीरीज द एक्ट में अभिनय किया किंग को जिप्सी रोज ब्लैंचर्ड के रूप में लिया गया था एक ऐसी भूमिका जिसके लिए किंग को अपने करियर में तीसरी बार अपना सिर मुंडवाना पड़ा सत्रह अठारह इसने उन्हें एमी गोल्डन ग्लोब एसएजी और क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स के लिए नामांकित किया वह सीबीएस कॉमेडी लाइफ इन पीसेज के चौथे सीजन में मॉर्गन के रूप में भी दिखाई दी नाइनटीन किंग का प्रतिनिधित्व टैलेंट एजेंट डैन स्पिलो करते हैं बीस अगस्त 2020 में उन्होंने अपनी सेवा के लिए टेलीविजन सामग्री का निर्माण करने के लिए हुलु के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए 21 जुलाई 2021 में उनकी ऑल द किंग्स हॉर्स प्रोडक्शन कंपनी ने, ने नेटफ्लिक्स के साथ एक सौदा किया 22 वह हुलु ओरिजिनल सीरीज वी वेयर द लकी ओन्स में हलीना कुर्क के रूप में दिखाई दी तेईस किंग अगली बार 2024 में नेटफ्लिक्स के ए फैमिली अफेयर में दिखाई देंगी 24 व्यक्तिगत जीवन किंग ने 2019 में निर्माता और निर्देशक स्टीवन पीट के साथ रिश्ता शुरू किया जब वे द एक्ट के सेट पर मिले फरवरी 2022 में उनकी सगाई हुई 25 किंग और पीट ने 2 सितंबर 2023 को स्पेन के मल्लोरका में शादी की 26, 27 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 2008 हॉटन हियर से हूं केटी आवाज संग्रोधन ब्रायना 2010 रमोना और बीस रमोना क्विंबी 2011 लड़ाई लॉस एंजल्स कर्स्टन पागल बेवकूफ प्यार मौली वीवर 2012 हजार बारह योद्धा का उद्भव यंग तालिया अलगुल 2013 जादुई क्रिस्टीन पेरोन पारिवारिक सप्ताहांत लुसिंडा स्मिथ डुंगी। महान एवं शक्तिशाली ओजी चाइना गर्ल बटा वहील चेयर पर लड़की ग्यारह व्हाइट हाउस डाउन एमिली केल 2014 हज़ार चौदह द चिल्ड्रन जेसी एल्डेन आवाज ध्वनि और रोश मिस क्वेंटिन काश मैं वहां होता ग्रेस ब्लूम 2015 हजार पंद्रह सरोड़ा पत्थर की दीवार फोबे विंटर्स 2016 स्वतंत्रता दिवस पुनरुत्थान सैम ब्लैकवेल 2017 स्टाइल में जाना कोलबर्ट ने चार्लसटन के एपिस्कोपल पोर्टरगॉड स्कूल में पढ़ाई की जहां उन्होंने कई स्कूल नाटकों में भाग लिया और स्कूल के समाचार पत्र में योगदान दिया लेकिन अकादमिक रूप से बहुत प्रेरित नहीं थे सैंतीस अपनी किशोरावस्था के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए ए शॉट इन द डार्क एक रोलिंग स्टोन्स कवर बैंड का नेतृत्व किया चालीस इकतालीस जब वे छोटे थे तो उन्होंने समुद्री जीव विज्ञान का अध्ययन करने की आशा की थी लेकिन गंभीर रूप से छिद्रित कान के पर्दे की मरम्मत के लिए की गई सर्जरी ने उनके भीतरी कान को इतना गंभीर नुकसान पहुंचाया कि स्कूबा डाइविंग से जुड़े उनके करियर पर असर पड़ा और वे अपने दाहिने कान से बहरे हो गए दस बयालीस कुछ समय के लिए वह अनिश्चित था कि वह कॉलेज में जाएगा या नहीं तैंतालीस लेकिन अंत उसने आवेदन किया और उसे वर्जीनिया के है एम्पडेन सिडनी कॉलेज में स्वीकार कर लिया गया जहां एक दोस्त ने भी दाखिला लिया था उन्नीस में आकर उन्होंने दर्शनशास्त्र में प्रमुखता हासिल की और नाटकों में भाग लेना जारी रखा चवालीस पैंतालीस छियालीस उन्होंने पाठ्यक्रम को कठोर पाया लेकिन हाई स्कूल की तुलना में अधिक केंद्रित था और ख़ुद को अपनी पढ़ाई में लगाने में सक्षम था एएपड़ेन सिडनी में एक महत्वपूर्ण थिएटर समुदाय की कमी के बावजूद इस दौरान कोलबर्ट की अभिनय में रुचि बढ़ गई दो साल बाद उन्होंने उन्नीस में प्रदर्शन का अध्ययन करने के लिए एक थिएटर प्रमुख के रूप में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित कर दिया कॉमेडी में प्रारंभिक करियर कोलबर्ट और उनकी पत्नी एवलिन मैगी दो हज़ार टाइम 100 सौ में नॉर्थवेस्टर्न में रहते हुए कोलबर्ट ने एक नाटकीय अभिनेता बनने के इरादे से अध्ययन किया ज़्यादातर उन्होंने प्रयोगात्मक नाटकों में प्रदर्शन किया और कॉमेडी में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी उन्होंने कॉलेज में रहते हुए इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू कर दिया दोनों कैंपस इम्प्रोव टीम नोफन मरपिरानहा अड़तालीस में और शिकागो में एनोयंस थिएटर में डेल क्लोज के इम्प्रोवोलम्पिक के एक हिस्से के रूप में उस समय जब परियोजना का ध्यान इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी के बजाय प्रतिस्पर्धी लंबे फॉर्म इम्प्रोवाइजेशन पर था मैं सेकंड सिटी नहीं करने वाला था कोलबर्ट ने बाद में याद किया क्योंकि वे एनोयंस लोग सेकंड सिटी को नीची नज़र से देखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह शुद्ध इम्प्रोव नहीं था एनोयंस लोगों में थोड़ा घमंडी रहस्यमय गुण था उनतालीस हालांकि उन्नीस में कोलबर्ट के स्नातक होने के बाद उन्हें नौकरी की जरूरत थी उनतालीस कॉमेडी ग्रुप के प्रति अपनी पहले की नापसंदगी के बावजूद उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन कक्षाओं के लिए साइन अप किया और इस अनुभव का भरपूर आनंद उठाया इसके तुरंत बाद उन्हें सेकंड सिटी की टूरिंग कंपनी के साथ प्रदर्शन करने के लिए काम पर रखा गया शुरुआत में स्टीव कैरेल के अंडरस्टडी के रूप में यहीं पर उनकी मुलाकात एमी सेडारिस और पॉल डिनेलो से हुई जिनके साथ उन्होंने अपने करियर में बाद में अक्सर सहयोग किया उनके पुनर्कथन के अनुसार तीनों हास्य कलाकार पहले साथ नहीं थे डिनेलो को लगता था कि कोलबर्ट सख्त दिखावटी और ठंडा था जबकि कोलबर्ट को डिनेलो एक अनपढ़ ठग लगता था उनचास लेकिन एक साथ दौरे के दौरान तीनों करीबी दोस्त बन गए उन्हें पता चला कि वे एक समान हास्य संवेदनशीलता साझा करते हैं 37. जब सेडारिस और डिनेलो को एचबीओ डाउनटाउन प्रोडक्शंस के लिए एक टेलीविज़न सीरीज़ बनाने का अवसर दिया गया तो कोलबर्ट ने सेकंड सिटी छोड़ दी और स्केच कॉमेडी शो एग्जिट सत्तावन पर उनके साथ काम करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए सैंतीस यह सीरीज उन्नीस में कॉमेडी सेंट्रल पर शुरू हुई और उन्नीस तक प्रसारित हुई हालांकि यह केवल 12 एपिसोड तक चली लेकिन शो को अनुकूल समीक्षा मिली 50, इक्यावन और इसे उन्नीस में सर्वश्रेष्ठ लेखन प्रदर्शन और कॉमेडी सीरीज सहित श्रेणियों में पांच के बलेसी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया 52. टेलीविजन करियर द डाना कार्वे शो उन्नीस मुख्य लेख द डाना कार्वे शो एकजिट सत्तावन के रद्द होने के बाद कोलबर्ट ने दराना कार्वे शो में एक कलाकार और लेखक के रूप में छह महीने तक काम किया जिसमें सेकंड सिटी के पूर्व कलाकार स्टीव कैरेल और रॉबर्ट्स मिगेल चार्ली कॉफमैन लुइस सीके और डिनो टामाटोपोलोस भी शामिल थे श्रृंखला जिसे एक समीक्षक ने सीमांत संदिग्ध स्वाद में कामिकेज व्यंग्य के रूप में वर्णित किया है इसके पहले एपिसोड के प्रसारित होने के बाद प्रायोजकों ने हाथ खींच लिए थे और सात एपिसोड के बाद इसे रद्द कर दिया गया था तिरपन इसके बाद कोलबर्ट ने रॉबर्ट्स मिगेल के साथ सैटरडे नाइट लाइव के लिए एक स्वतंत्र लेखक के रूप में कुछ समय के लिए काम किया स्मिगेल ने अपना एनिमेटेड स्केच द एम्बी गोसली गेडो द डाना कार्वे शो से एस में लाया कोलबर्ट ने दोनों श्रृंखलाओं सैंतीस उनके द्वारा प्रस्तावित खंडों में से केवल दो का निर्माण किया गया और केवल एक प्रसारित किया गया लेकिन नौकरी के लिए उनके एजेंट ने उन्हें दरेली शो के निर्माता मैडलिन स्मिथबर्ग के पास भेजा जिन्होंने उन्नीस में कोलबर्ट को परीक्षण के आधार पर काम पर रखा चवन स्पष्टीकरण की आवश्यकता है स्ट्रेंजर्स विद कैंडी उन्नीस से दो मुख्य लेख कैंडी के साथ अजनबी इसी अवधि के दौरान कोलबर्ट ने कॉमेडी सेंट्रल के लिए एक नई कॉमेडी सीरीज स्ट्रेंजर्स विद कैंडी विकसित करने के लिए सेडारिस और डिनेलो के साथ फिर से काम किया कॉमेडी सेंट्रल ने उन्नीस में सीरीज को तब उठाया जब कोलबर्ट पहले ही दरेली शो पर काम करना शुरू कर चुके थे नतीजतन उन्होंने एक कम भूमिका स्वीकार की नई सीरीज पर काम करते हुए उन्होंने साल में केवल 20 डेली शो सेगमेंट फिल्म आए थर्टी स्ट्रेंजर्स विद कैंडी की कल्पना स्कूल के बाद के विशेष कार्यक्रमों की पैरोड़ी के रूप में की गई थी जो 46 वर्षीय जेरी ब्लैंक के जीवन पर आधारित है जो सड़क पर 32 साल बिताने के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस आता है आलोचकों द्वारा आक्रामक हास्य के उपयोग के लिए सबसे अधिक विख्यात इसने प्रत्येक एपिसोड का समापन दर्शकों को एक विषम राजनीतिक रूप से गलत नैतिक सबक देकर किया पचपन कोलबर्ट ने सेरारिस और डिनेलो के साथ मुख्य लेखक के रूप में काम किया और जेरी के सख्त लेकिन अनभिज्ञ इतिहास शिक्षक चक नोबल्ट का चित्रण किया जो पूरी श्रृंखला में अपनी कक्षाओं को गलत जानकारी देते हुए देखा गया उद्धरण वांछित कोलबर्ट ने इसकी तुलना द दड़ेली शो और बाद में द कोलबर्ट रिपोर्ट में निभाए गए चरित्र से की ग्यारह पूरी श्रृंखला में एक और मजाक चल रहा था कि नोब्लेट एक गुप्त समलैंगिक साथी शिक्षक जेफरी जेलिनेक के साथ गुप्त संबंध रखता था इस तथ्य के बावजूद कि उनका रिश्ता उनके आसपास के सभी लोगों के लिए स्पष्ट था छप्पन यह अनजानता कोलबर्ट के डेली शो और कोलबर्ट रिपोर्ट के चरित्र में भी दिखाई देती है 57, 58 स्ट्रेंजर्स विद कैंडी के 30 एपिसोड बनाए गए जो 1999 और 2000 में कॉमेडी सेंट्रल पर प्रसारित हुए उनसठ हालांकि इसकी रेटिंग इसके शुरुआती दौर में उल्लेखनीय नहीं थी लेकिन इसे एक छोटे लेकिन समर्पित दर्शकों के साथ एक पंथ शो के रूप में जाना जाता है साठ कोलबर्ट ने एक फिल्म रूपांतरण के लिए अपनी भूमिका दोहराई जिसका प्रीमियर 2005 में संडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 2006 में सीमित रिलीज हुई फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली कोलबर्ट ने सेडारिस और डिनेलो के साथ पटकथा भी लिखी 61. वन डेली शो उन्नीस से 2005 मुख्य लेख डेली शो कोल्बर्ट उन्नीस सौ में कॉमेडी सेंट्रल की पैरोडी न्यूज सीरीज डेली शो के कलाकारों में शामिल हुए जब यह शो अपने दूसरे सीजन में था मूल रूप से चार संवाददाताओं में से एक जिन्होंने नेटवर्क न्यूज़ फील्ड रिपोर्टरों की शैली में दूरस्थ स्थानों से सेगमेंट फिल्माए कोलबर्ट को शो में अपने पहले दो वर्षों के लिए ऑन एयर नए आदमी के रूप में संदर्भित किया गया था उस दौरान क्रेग किलबोर ने मेजबान के रूप में काम किया था जब उन्नीस के सीजन से पहले किल्बोर ने शो छोड़ दिया तो जॉन स्टीवर्ट ने मेजबानी का काम संभाला साथ ही एक लेखक और सहकार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया इस बिंदु से श्रृंखला ने धीरे धीरे अधिक राजनीतिक लहजा अपनाना शुरू कर दिया और लोकप्रियता में वृद्धि हुई विशेष रूप से 2000 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मौसम के उत्तरार्ध में शो के संवाददाताओं की भूमिकाओं को और अधिक इन स्टूडियो सेगमेंट और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था जो लगभग हमेशा स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन की सहायता से किया जाता था दोस्तों ये एक फैमिली कॉमेडी मूवी है जो कि एक तरह से 9 जून दो ले को लेजी एट लिकॉन सेंटर्स में रिलीज़ की गई थी और 3 जुलाई दो को ये एक तरह से यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिलीज कर दी जाएगी इस एक तरह से कई सिटीज में लॉन्च कर दिया गया है वहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस रहा है और जो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका अब तक रहा है नाइन मिलियन का है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और इसके बाद इसे यूनाइटेड स्टेट में और इंडिया में दोनों जगह एक ही डेट पर रिलीज़ किया जाएगा तीन जुलाई दो हजार चौबीस को साथ ही साथ बात की जाए तो इस मूवी की एक तरह से लेंथ के बारे में तो एक घंटा चौंतीस मिनट टोटल इसकी लेंथ है और ये एक फैमिली कॉमेडी मूवी है आप इसे अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ इसे देख सकते हो ये एक फैमिली कॉमेडी मूवी है और एनिमेशन तो आपको इसमें बेहतरीन देखने को मिलेगा और दोस्तों ये हमें एक तरह से ओ डी टी प्लेटफॉर्म पर भी लगभग दो महीने का इंतजार करना पड़ेगा रिलीजिंग डेट से तब हम में ये देखने को मिल जाएगी तो आज की ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर आइकन दबाकर सेट कर दीजिएगा तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलता है अगले वीडियो में